नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रेप आईएएस पर। तो पिछले कुछ दिनों से एक ही टॉपिक बार बार न्यूज में आ रहा है, ट्विटर के ये इसको बैन किया जाना चाहिए, कभी गवर्नमेंट की टसल हो जाती है, तो किन्हीं ना किन्हीं कारणों से ये न्यूज में आ रहा है। आज फिर से ट्विटर बैन को लेकर न्यूज में आया, तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। आज किस वजह से न्यूज में आया है, तो ट्विटर के जो इंडिया के MD है उन पर FIR रजिस्टर हुई है। MD पर क्यों? क्योंकि ट्विटर इंडिया पर FIR रजिस्टर हुई और ट्विटर इंडिया को हेड करते हैं ये पर्सन, तो इसीलिए अब इनको कोर्ट के सामने या पुलिस के सामने पेश होना पड़ेगा। तो क्या ये पहला इंसिडेंट है? तो आंसर है नो। ऐसे केसेस पहले भी हो चुके हैं। कुछ दिन पहले ही गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर पर FIR रजिस्टर की थी। और ये सारी चीजें क्यों हो रही है यहाँ पे, ठीक है? तो अभी पहले तो हम प्रेजेंट केस की बात करते हैं। तो आज की अगर हम बात करें तो कल क्या हुआ था, ट्विटर पर एक मैप शेयर किया गया था भारत का, जिसमें जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हो, ये जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला एरिया है, इसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री बता दिया गया था, जो कि इंडिया का इनहेरेंट पार्ट है, इसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया ट्विटर के मैप में। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, इसको एक अलग से देश बता दिया कि जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख रीजन है वो अलग से एक देश है, जिसको लेके अभी बुलंदशहर में ट्विटर के अगेंस्ट FIR रजिस्टर हुई है। तो ये जो बार बार कॉन्ट्रोवर्सीज निकल के आ रही है ट्विटर से, ये क्यों आ रही है? तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। बेसिकली क्या हुआ, गवर्नमेंट IT रूल्स लेके आई, तब से ही ट्विटर और गवर्नमेंट के बीच में एक टसल चली आ रही है, ठीक है? इंडिया के अगेंस्ट ट्विटर शुरू से कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंसेस करते हैं, लेकिन अभी तक ये गवर्नमेंट और ट्विटर की बात थी। पहली बार ऐसा हुआ कि देश की बाउंड्रीज को बीच में लाया गया। अब इसको पहली बार भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसे इंसिडेंसेस पुराने भी हुए। लद्दाख वाले पार्ट को चाइना में दिखा दिया, या अक्साई चीन वाले पार्ट को चाइना का एरिया बता दिया, या पाकिस्तान का एरिया बता दिया, तो ऐसा पहले भी इंसिडेंसेस हुए हैं। तो ये अभी क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि गवर्नमेंट लेके आई थी IT रूल्स। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पहले IT रूल्स को समझना पड़ेगा। तो बेसिकली IT रूल्स क्या है? तो IT रूल्स गवर्नमेंट लेके आई इसी साल 5 के महीने में 2021 में। सुप्रीम कोर्ट का एक केस था 2018 का, प्रज्ज्वला केस, ठीक है? 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रज्ज्वला केस की सुनवाई की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पोर्नोग्राफी, रेप इमेजेस या रेप वीडियोस जो होती है, या जो भी सेक्सुअल कंटेंट हो गया, या किसी भी तरीके का अगर ऑफेंसिव कंटेंट है इंटरनेट पर डला हुआ है, उसको हटाने के लिए गवर्नमेंट IT रूल्स ला सकती है। इसी केस का इस्तेमाल करके, इस वर्डिक्ट का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट 2021 5 के महीने में OTT प्लेटफॉर्म्स, जैसे आपका नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, इनको OTT प्लेटफॉर्म्स बोला जाता है, इनको गाइड करने के लिए और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए ये गाइडलाइंस लाई गई। इसके अंदर जो भी यहाँ पे कंपनीज हैं, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज और सेकंड वन इज सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। दोनों में डिफरेंट क्या है? तो जिसमें 50 लाख प्लस यूजर्स होंगे उसको सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज बोला जाएगा। और इसी कैटेगरी में आता है आपका ट्विटर। इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से ट्विटर के पास 1.75 करोड़ अकाउंट्स है, जो कि इंडियंस ने वहां पे खोले हुए हैं। तो सोशल मीडिया के लिए रूल्स क्या है? तो सबसे पहला रूल तो ये था कि जो कंटेंट का फर्स्ट ओरिजिनेटर है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बेसिकली कंटेंट कहाँ से आ रहा है? सपोज मेरे पास कोई मीम आया, मैंने उसको शेयर कर दिया, अब मेरे को मेरे किसी फ्रेंड ने भेजा था, मेरे फ्रेंड को किसी और ने भेजा होगा, तो ऐसे करके सबसे पहले वो मीम किसने बनाया और फिर कहाँ तक वो पहुंचा है, तो फर्स्ट ओरिजिनेटर जिसने वो कंटेंट डेवलप किया उसको आइडेंटिफाई करना। इसके बाद तीन ऑफिसर्स अपॉइंट करने थे। फर्स्ट वन इज ग्रीवांस ऑफिसर। ग्रीवांस ऑफिसर का काम क्या रहेगा कि जो भी शिकायतें आ रही हैं इसको 15 दिन के अंदर सॉल्व करके देना है। सेकंड, आपको एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन करना था। अब नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन क्यों करना है? क्योंकि देखो ये सारी कंपनीज हैं अमेरिका बेस्ड कंपनी है, इंडिया में इनका कोई भी यहाँ पे अगर हम बात करें तो सर्वर वगैरह नहीं है, कॉन्टैक्ट करने में लोगों को बहुत प्रॉब्लम जाती थी। तो इसीलिए बोला गया कि आपका एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन होना चाहिए और एक होगा आपका चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर, जिसको मंथली कॉम्प्लायंस रिपोर्ट फाइल करनी है। यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ट्विटर ने क्या किया, ग्रीवांस ऑफिसर और नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन तो अपॉइंट कर दिया, लेकिन चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर अपॉइंट ही नहीं किया। बाद में जाके एक इंटरिम ऑफिसर अपॉइंट किया, जिसने अभी परसों ही रिजाइन कर दिया। इसके बाद बोला गया कि जो ऑनलाइन सेफ्टी है या डिग्निटी है यूजर्स की, उसको एंश्योर करना है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान के चलो कोई किसी की इमेजेस डली है या किसी से रिलेटेड कोई भी कंटेंट है, वो कंप्लेन करता है तो तुरंत उसको प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ेगा। OTT की अगर हम बात करें तो इसके लिए सेल्फ रेगुलेशन ला दिया और सेल्फ क्लासिफिकेशन, मतलब जो भी ये कंटेंट ला रहे हैं तो ये खुद क्लासिफाई करेंगे कि वो 18 प्लस कंटेंट है, 13 प्लस है, 16 प्लस है, तो इस तरीके से पेरेंटल लॉक रहेगा कि अगर 18 प्लस कंटेंट है तो प्रॉपर सिक्योरिटी रहेगी, बच्चे उसको देख ना सकें। इसके बाद अगर हम डिजिटल न्यूज़ की बात करें, जैसे आज के टाइम पे आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स रन कर रहे हैं, तो उनको बोला गया कि अब आपको जर्नलिस्ट कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करनी पड़ेगी जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने दी है। साथ में जो 3 लेवल यहाँ पे ग्रीवांस मैकेनिज्म है, ग्रीवांस ऑफिसर, कॉम्प्लायंस ऑफिसर और नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन, ये इन तीनों को भी मैनेज करना पड़ेगा।
अब होता क्या है, जैसे ही आईटी रूल्स आते हैं तो ट्विटर इनको फॉलो नहीं करता है, ठीक है, फॉलो क्या नहीं करता है, तो ये कॉम्प्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट नहीं करता है, वहां से गवर्नमेंट और ट्विटर की टसल बढ़ती जाती है। तो सर जो अभी हमारे आईटी मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद, उनका अकाउंट ब्लॉक कर देता है। इसके पहले भी इंसिडेंसेस देखे गए कि जो हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उनकी पिक्चर एक बार हटा दी गई थी, पीएमओ का अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर का जो ऑफिशियल अकाउंट है वहां के गवर्नर का, उस ल्यूटिनेंट का सॉरी, तो उसको भी एक बार बैन कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। तो इस तरीके से बहुत सारे इंसिडेंसेस देखे गए हैं गवर्नमेंट और ट्विटर के बीच में। तो हुआ क्या, जब ये लॉज नहीं माने गए तो फाइनली एक सेफ हार्बर क्लॉज है, गवर्नमेंट ने उसको हटा दिया। अगर हम आईटी एक्ट की बात करें तो इसके सेक्शन 79 में ये लिखा हुआ था कि जो भी ये पार्टीज है, जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इनको बोला गया थर्ड पार्टी। बेसिकली दे आर प्लेटफॉर्म्स, जो क्या कर रहे हैं, आप किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन डेटा अगर शेयर कर रहे हो तो बस ये एक प्लेटफॉर्म है कि ये आपको मदद कर रहे हैं लोगों तक पहुंचाने में। तो सेफ हार्बर क्लॉज में क्या होता है कि बेसिकली अगर कोई भी यहाँ पे मिसकंडक्ट होता है, जैसे इस केस में क्या हुआ कि जो FIR रजिस्टर हुई तो डायरेक्ट ट्विटर के अगेंस्ट नहीं होती, बेसिकली जो भी दो पर्सन है जिनने कंटेंट शेयर किया और जिसको कंटेंट रिसीव हुआ, उन दोनों के बीच में केस होता था, प्लेटफॉर्म पे नहीं होता है। क्योंकि इसमें 79 के अंदर बोला गया कि ये केवल प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जिसमें आप क्या कर रहे हो, न्यूज़ या किसी भी टाइप का कंटेंट शेयर कर रहे हो, इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी आईटी रूल्स नहीं मानेगा तो उससे सेक्शन 79 हटा ली जाएगी, सेफ हार्बर क्लॉज इसको नहीं मिलेगा। आईटी रूल्स ना मानने पर ट्विटर के साथ यही हुआ, गवर्नमेंट ने ये सेफ हार्बर क्लॉज हटा लिया है और अब इन पर केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। केसेस रजिस्टर हो रहे हैं तो बेसिकली होगा क्या, एक्शन की अब यहाँ पे बात आती है कि किस तरीके के ट्विटर पर एक्शन लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहला तो क्या हुआ, FIR रजिस्टर, जो अभी तक नहीं होती थी, तो FIR रजिस्टर हो गई ट्विटर इंडिया के जो MD है उन पर। अब आगे क्या हो सकता है, तो द हिंदू की ये रिपोर्ट है, इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अनलॉफुल या फिर इन्फ्लेमेटरी कंटेंट पोस्ट करने के बेसिस पर ट्विटर के जो MD हैं उनको पुलिस हेडक्वार्टर्स बुलाया जा सकता है, जहां पे भी ये केस रजिस्टर हुआ है, तो वहां पे उनसे क्वेश्चनिंग की जा सकती है। इवन जो गाजियाबाद वाला केस रजिस्टर हुआ था, उस केस में पुलिस ने इनको बुलाया भी था, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने वहां पे रोक लगा दी, जिस वजह से ये पहुंचे नहीं है। लेकिन अब फिर से केस रजिस्टर हुआ है तो इनको बुलाया जा सकता है। और ट्विटर जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म, रोज कोई ना कोई आपको पता है कि ऐसा कंटेंट आ सकता है जो वायरल हो जा सकता है, जो कम्युनल हो सकता है, जो मिसकंडक्टफुल हो सकता है, तो ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है। तो अब ये परेशान हो सकते हैं, बार बार इनको कोर्ट में बुलाया जा सकता है, ठीक है। ट्विटर ने एक इंटरिम चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर अपॉइंट किया था, लेकिन उसने अभी रिजाइन कर दिया। गवर्नमेंट का कहना क्या है, गवर्नमेंट ने बोला कि हमने फेब में ये आईटी रूल्स लेके आए थे, हमने 25 मई तक का टाइम दिया, उसके बाद हमने उसको भी बढ़ा के 5 जून का इनको टाइम दिया था कि आपको लास्ट नोटिस दे रहा है, आप इन आईटी रूल्स को फॉलो करें, उसके बाद भी ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आपका व्यू यहाँ पे क्या है। ट्विटर जैसी कंपनीज जो US वगैरह में काम करती है तो सारे रूल्स को फॉलो करती है, वहीं पे इंडिया में जब ये आ रही है तो रूल्स का वॉयलेशन कर रही है, तो आपको क्या लगता है इन पे किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? जैसे अभी नाइजीरियन गवर्नमेंट ने ट्विटर को बैन कर दिया, तो क्या हमें भी ट्विटर को बैन करना चाहिए या फिर हमें किसी और तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए? तो ये जितनी भी आपके मन में जो भी थॉट्स हो या किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ये बता सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, लाइक करने से ही आपका सपोर्ट हमें मिलता है, पता लगता है कि कितनी अच्छी लगी है। किसी भी तरीके का डाउट है, फिर से बोलूंगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपको नोटिफिकेशंस बराबर आती रहें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।